आज दिल्ली में 17,386 अभी तक टोटल केस हुए, इनमें से केवल 2100 पेशेंट अस्पतालों में हैं, बाकी सब घरों के अंदर है। जो भी एक्टिव पेशेंट्स हैं घरों में हैं, घरों में इंतजाम कर रहे हैं, घरों में इलाज करा रहे हैं। 2100 पेशेंट अभी अस्पतालों में हैं। जितने लोगों को कोरोना हो रहा है, या तो उनको कोई सिम्टम नहीं हो रहा, या उनको इतना मामूली सिम्टम हो रहा है, थोड़ी सी खांसी, थोड़ा सा बुखार, कि अपने घर में इलाज कर रहे हैं। 15 दिन में 8,500 केस बढ़े, लेकिन अस्पतालों में केवल 500 केस बढ़े। तो चिंता करने की, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। चिंता तो है, कोरोना के केस इतने बढ़ने नहीं चाहिए, हम भी नहीं चाहते। थोड़ा भी बुखार है तो क्यों है, क्यों तकलीफ होनी चाहिए अपने लोगों को। लेकिन अगर कोरोना है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मोस्टली लोग, अधिकतर लोग ठीक हो रहे हैं और अपने घर पे ही ठीक हो रहे हैं। एक परेशानी सामने आई थी कि एक तरफ तो हम कहते हैं जी बेड्स का खूब इंतजाम कर लिया, वेंटिलेटर का इंतजाम कर लिया, ऑक्सीजन का इंतजाम कर लिया, चिंता मत करो 6600 बेड्स का इंतजाम कर लिया। लेकिन अगर किसी के घर में कोई कोरोना का मरीज हो तो वो कहाँ जाए? उसे नहीं पता कि कौन से अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, उसे नहीं पता कौन से अस्पताल में कितने वेंटिलेटर खाली हैं। कुछ मामले आए जिसमें कुछ लोगों को धक्के खाने पड़े, जानकारी का अभाव था। एक तरफ बेड खाली हैं और दूसरी तरफ लोगों को पता नहीं है। तो इसके लिए मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों को बताया था, एक ऐप बना रहे हैं, ऐप बन गया है, उसकी टेस्टिंग चल रही है। परसों सोमवार को उस ऐप को लॉन्च करेंगे।